365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। बीते कई दिनों से सजाए याफ्ता लालू प्रसाद यादव के पेंग वार्ड में समर्थक नियम कानून को ताक पर रख कर मुलाकात करते थे। जब इसकी खबर पुलिस प्रशासन को लगी, ग्रामीण एसपी औचक निरीक्षण के लिए लालू के वार्ड पहुंचे। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा में लगे जवानों के कई कड़े निर्देश दिए और सख्त हिदायत दी कि जेल मैनुअल का जो भी उल्लंघन करता है उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाए। बता दें कि बीते 5 दिनों में कई छोटे बड़े समर्थक और नेता जेल के बिना अनुमति के लालू प्रसाद यादव से मिलने पेंग वार्ड पहुंचे थे। एसपी साहब अभी अवकाश में हैं, उनका प्रभार दैनिक कार्यों का मुझे ही दिया गया है डीआई साहब के माध्यम से। ये सूचना मिल रही थी कि लालू जी के सुरक्षा में कुछ लैपसेस है और कितने लोग जवान हैं, किस तरह से काम कर रहे थे, और वो भी चूंकि कोरोना पीरियड में काम करना है, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम यहाँ आके निरीक्षण किए हैं। जो भी जवान आए हुए हैं, ये लगे हुए हैं पहले से, उनको मैंने कैसे ड्यूटी करनी है कोरोना पीरियड में अपने बचते हुए उसका हिदायत दिए है। कुछ आवश्यक सामग्री भी बांटे हैं, सैनिटाइजर वगैरह हम लाए थे अपने जवानों को मैंने दिया है, और सख्त हिदायत दिया है कि किसी भी सिक्योरिटी में किसी प्रकार का लैचेज नहीं हो, और वही लोग इनसे जाके मिलेंगे जिनका परमिशन या तो जेल से हो या आज चूँकि सैटरडे है तो मात्र 3 आदमी को मिलना है जो आवेदन देंगे और वो जिनको परमिट करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि जवानों में जवान अब चुस्त दुरुस्त होके पहले से भी काम किए और इसमें गुणात्मक सुधार आएगा। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।